पेट्रोल पंप के नाम जहां आ जाती थी, आम लोग ये सोचते थे कि हमारे बस का चीज़ नहीं है। हम लोगों ने एक ऐसा फंडा तैयार किया, वो आपके आगे के वीडियो में पूरी विस्तार से बताई जाएगी, जो हमारी टीम जो है उसमें आपको पूरी तरह से गाइडलाइन देगी। लेकिन इतना मैं बता दूं कि जिनके पॉकेट में अगर 5 लाख है, अगर थोड़ी हिम्मत करें तो पेट्रोल पंप के मालिक बन सकते हैं। ये पूरी आपको गोल गैस प्राइवेट लिमिटेड परिवार आपको आश्वस्त करती है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपया है तो आप पेट्रोल पंप के मालिक बन सकते हैं। उसकी क्या क्राइटेरिया होगा वो आगे के वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने ओरवॉइस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं बक्सर जिला। ये बक्सर जिला पहुंचने का कारण क्या है, हम पहुंचे हैं आज गोल गैस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी बनाती है गैस के वो प्रोडक्ट और फ्यूल, वो सारे प्रोडक्ट जो कि आप अपने जीवन में यूज़ करते हैं, आप गाड़ियों में डलाते हैं या घर के लिए कुकिंग गैस जो बनाते हैं उसकी ये कंपनी है। और ये है बिहार के बक्सर जिला में। उसके बाद हम आपको मिलवाते हैं इसके जो CEO हैं नौशाद अली जी से, और नौशाद जी से हम बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि क्या बनता है और आपके जीवन में यहाँ से जुड़ के क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं नौशाद जी से। नौशाद जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ क्या बनता है, मेरे व्यूवर्स को आपके साथ जुड़ के क्या बिजनेस मिलने वाला है और आपके साथ क्यों जुड़े? हाँ जी, सबसे पहले मैं जानकारी आपको दे दूं कि हम लोगों ने सितंबर 2017 में ये कंपनी का नींव रखा। हाँ। हमारी कंपनी का नाम गोल गैस प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। इसी का यूनिट है गोल बायो ऑयल, ठीक है। हम लोग जो है बायो डीजल, बायो पेट्रोल, लिब्रिकेंट, LPG गैस सिलेंडर, ये सब जो है प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में दे रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा बायो पेट्रोल जो है, जो प्लास्टिक वेस्ट से हम लोग बनाएंगे, वो जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अभी क्या है, ये बायो डीजल हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारे से प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसा प्रोडक्ट जैसे UCO का है, तो UCO का 2-4 दिन में वो भी प्रोडक्ट चालू हो जाएगा, यानी पूर्णतः दिस मंथ यानी जनवरी में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा। और चालू हो जाएगा। UCO का प्रोडक्ट क्या है? UCO यूज कुकिंग ऑयल है। यूज कुकिंग ऑयल यानी कि जो LPG सिलेंडर, उसकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं, यूज कुकिंग ऑयल यानी गवर्नमेंट ने, FSSAI ने एक मानक तैयार किया है कि जो हम लोगों ने कोई चीज़ बनाते हैं, तलते हैं और 3 बार तलते हैं, 3 बार के चौथी बार अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारा उससे नुकसान होता है हमारे शरीर में। अच्छा। तो वो नुकसान जो है, चौथी बार अगर उसमें तलते हैं तो नुकसान होता है, तो इन्होंने ये बैंड कर दिया है कि 3 बार के बाद ज़्यादा तलना नहीं है, ठीक है। तो वो वेस्ट हो गया, वो वेस्ट को हम लोग लाते हैं और उसका बायो प्रोसेसिंग करके बायो डीजल हम लोग तैयार करते हैं, जो B100 होता है। अच्छा। वो बायो डीजल जो है हम लोग जो है मार्केट में सेल आउट करते हैं। अच्छा। हमारा रिटेल आउटलेट भी हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ। और रिटेल आउटलेट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 तरीके से हम लोग कर रहे हैं। एक हमारा तरीका है कोको का, कोको मतलब होता है कंपनी टू कंपनी। इसमें केवल जिनके पास ज़मीन है, उनको पंप लगाने की क्षमता नहीं है, वो भी हमारे साथ जुड़ करके ज़मीन हमको देंगे। सारा पंप का, पेट्रोल पंप का सेटअप, जैसे रिलायंस का पेट्रोल पंप होता है, BPCL का होता है, SPCL का पेट्रोल पंप होता है, उस तरह से हम लोग पेट्रोल पंप तैयार करेंगे। उनका केवल ज़मीन रहेगा और उनको कमीशन हम लोग 1 रुपया प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका ज़मीन का रेंटल 1 रुपया हम लोग देंगे। ये हमारा कोको प्रोग्राम हुआ। वो लगभग जो है कोको प्रोग्राम में 1.5 लाख से 2 लाख मंथली इनकम प्राप्त करेंगे, जो उनकी ज़मीन बेकार में पड़ी हुई है, कोई अगर उनका जो है ज़मीन से उपार्जन नहीं हो रहा है, वो उसे धन उपार्जन होगा और उनका आय का स्रोत प्राप्त हुआ। दूसरा जो है एक कोडो में है, जो कंपनी टू डीलर में हम लोगों ने मानक तैयार किया है कि एक पंप लगाने में 30 लाख रुपया जो लग रहा है, तो कंपनी जो है 15 लाख रुपया लगा रही है और 15 लाख पार्टी लगाएंगे, यानी ये 50-50% का पार्टनरशिप होगा। और इसमें जो है 5 रुपया फुली कमीशन है, जिसमें 2.5 रुपया कंपनी लगी और 2.5 रुपया पार्टी को दिया जाएगा, डीलर को दिया जाएगा। इसमें जो पंप में 40 या 50 लाख जो लागत लगते थे, उसमें सीधे आधा हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हमारा मानक है जो डोडो का। तो डोडो में क्या होता है कि आपका ज़मीन आपका, सिविल कंस्ट्रक्शन आपका, मशीनरी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसका पैसा लेंगे,
फ्यूल भी देंगे तो उसका हम लोग पैसे लेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि कमीशन जो है बढ़ जाता है, प्रति लीटर 5 रुपया होता है। ये तीन तरह से हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद जो है हमारा LPG का है, जो कि आपको नेक्स्ट है, वो भी मैं प्लांट आपको विजिट कराऊँगा और वहाँ का भी फुटेज आप लीजिएगा। तो LPG में हम लोगों ने दो मानक तैयार किया है कि जो डोमेस्टिक जो सिलेंडर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडियन ऑयल के डोमेस्टिक सिलेंडर से 10 रुपया हमारा सस्ता होगा और कमर्शियल जो है 100 रुपया सस्ता होगा। कमर्शियल जो सिलेंडर जो मार्केट में बिकते हैं, जो चाय वाला, हॉकर वाला, होटल वाला, ये जो यूज़ करते हैं उनको जो है, या इंडस्ट्रियल में जो होते हैं, वो 100 रुपया सिलेंडर हम लोग कम में प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो है कंटेंट LPG का बिल्कुल सही कंटेंट होता है, वो कंटेंट होता है 60 और 40 का। 60% आपका ब्यूटेन होता है और 40% प्रोपेन होता है। अच्छा, तो इस तरह कंटेंट अच्छे रहते हैं। और हम लोग इंजन ऑयल भी तैयार करते हैं, जो इंजन ऑयल गाड़ियों में डालते हैं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर जितने भी गाड़ियां आती हैं सबका इंजन ऑयल हम लोग तैयार करते हैं, जो कि उसका भी हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिक ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल भी तैयार कर रहे हैं हम लोग। ब्रेक ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ, गियर ऑयल हुआ, ये सारे प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से प्रोडक्शन अपना करेंगे। और जो बॉटलिंग प्लांट हमारा है, जो कि सारा लाइसेंस हमारा हो चुका है और बॉटलिंग भी चालू है, जो वो नवादा में है, कादिरगंज में, जो कि प्लांट में अभी हमने IVP को दे रखा है एक बुलेट, और एक बुलेट हम अपने लिए रखा है। तो उनसे रेंटल हम लेते हैं, उनको रेंट पे मैं दे रखा हूँ। 2 बुलेट हमारा 10-10 MT का लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो है ये काम जो है चालू कर दिया है। अब बायो पेट्रोल हमारा जो है फरवरी से बायो पेट्रोल भी हम लोग प्रोडक्शन कर लेंगे। जो आज एक सबसे बड़ी समस्या है वो है प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करना। तो प्लास्टिक जनरेट तो होता है, उसको यूज करना, तो प्लास्टिक वेस्ट का डंपिंग जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, वो डंपिंग को कम करना है। हम लोग प्लास्टिक वेस्ट से पेट्रोल और डीजल हम लोग दो चीज़ उत्पाद निकालेंगे यहाँ से, जो कि फरवरी से यहाँ से मैं निकालना चालू करूँगा। अच्छा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपको प्लांट जो है विजिट करा दूँ। अच्छा। आप प्लांट देख लीजिए। तो गाइस, यहाँ तक सर ने जो बताया है कि यहाँ से कई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप इनके साथ जुड़ के कई तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। सारे मॉडल को डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और उस डिटेल में बात करने से पहले हम आपको घुमाते हैं। शायद ये यूट्यूब का पहला वीडियो होगा जिसके अंदर ये आपको बताया जाएगा कि किस किस तरीके से डीजल, पेट्रोल और इसके साथ ग्रीस और गैस फिलिंग कैसे होता है, उस पूरे बिजनेस मॉडल को हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से देखने के बाद आगे के जो वीडियोज आएंगे, लगातार हम इसके 3-4 पार्ट बनाएंगे, जिसके अंदर आपको सारे बिजनेस को किस तरीके से करना है, क्या फायदा मिलने वाला है, पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको कराते हैं विजिट कि कैसे बनता है, कैसे निकलता है यहाँ पे पेट्रोल डीजल, उसका हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं अंदर जाके लेते हैं पूरी जानकारी।